जय जिनेंद्र, नमस्कार। पल्लव यानी उंगली। नव पल्लव पार्श्वनाथ की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी बताऊंगा कि कैसे इस प्रतिमा का नाम नव पल्लव पार्श्वनाथ पड़ा। इस जगह से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग कहानी भी बताऊंगा। नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं राकेश जैन और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। बलेद से मंगरोल का सफर अरबी सागर के किनारे कुछ अलग ही था। बलेद से मंगरोल करीब 45 किलोमीटर पड़ता है। बस कुछ समय निकाल लिया इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए। समुद्र के किनारे भीड़ से थोड़ा अलग था यह बीच। यह कलरफुल ऊंट देख तो मजा आ गया। किसी का भी मन हो जाए इन ऊंटों पर बैठने के लिए और एक राउंड महासागर के किनारे चलने के लिए। बड़ा ही खूबसूरत नजारा था यह। यह जगह भी काफी साफ सुथरी थी। कुछ पल इन समुद्र के किनारे बिताने के बाद हम निकल पड़े मंगरोल की तरफ। मंगरोल में यह जैन मंदिर है सुपार्श्वनाथ जी का। चलिए पहले अंदर दर्शन कर लेते हैं। हमें इस जगह थोड़ा समय मिला दर्शन किए और थोड़ी गपशप। हम यहां से चले एक और मंदिर, नव पल्लव पार्श्वनाथ जी का मंदिर। इसकी भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, बताता हूँ। छोटा सा गांव और इतना बड़ा ग्रुप, सबकी नजरें तो आप पर रहती है। भाई क्या हो रहा है इस गांव में? तो हम जा रहे थे सुपार्श्वनाथ जी के मंदिर से नव पल्लव पार्श्वनाथ जी का मंदिर अष्ट प्रकारी पूजा सामग्री लेकर। यह है नव पल्लव पार्श्वनाथ जी का मंदिर। यह मंदिर भी करीब 817 साल पुराना है। कुमारपाल राजा ने बनवाया था। यह प्रतिमा करीब 2300 साल पुरानी है और संप्रतिकालीन प्रतिमा है। कहते हैं जब इस प्रतिमा को गाड़ी में लाया जा रहा था तो इसकी दो उंगलियां नष्ट हो गई। चमत्कार हुआ और उंगलियां वापस जुड़ गई। इसीलिए इस मंदिर का नाम नव पल्लव पार्श्वनाथ पड़ा। मंगरोल में करीब 25 जैन परिवार हैं और जैनों की संख्या 100 से भी कम है। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलता हूं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। मेरा अगला वीडियो होगा गिरनार जी पर। लगभग 2:45 हो गए। कैसे अब की बार मैंने लगभग 25,000 स्टेप्स तय किए। मैंने नेमी दादा का मोक्ष स्थान जो कि 10,000 स्टेप्स पर है पहले देखा। कैसे मैं वापस सहसावन में नेमीना जी भगवान की जन कल्याणक और दीक्षा कल्याणक देख वापस दर्शन के लिए ऊपर आया। इससे मुझे दो यात्रा का लाभ मिला। शाम के 4 बजे की आरती का आनंद लेकर फिर वापस नीचे लौटा। काफी इंटरेस्टिंग जानकारी रहेगी मेरे इस वीडियो में।